और सोनू भाई अपने साथ हैं। क्या दिखा रहे हो आज? आज हमारे पास आई है Z2 पूरा कंप्लीट, जो 7 पीस आपको 3500 रुपए में मिलने वाले। ये फोग लाइट DRL की बात करूं मैं तो ये है 14500 रुपए की, मगर पूरी गाड़ी का जैसे Z2 का काम होता है तो उसके लिए 10000 रुपए की मिलेगी आप। तो साइड से इसमें साइड मिरर भी अपना आता नहीं था, ये भी पूरा चेंज करा गया ORVM। तो देखो लॉक हो गया, अनलॉक पे अनफोल्ड हो जाएगा ये पूरा। अपना हैंडल भी इसमें मैट आता था, हमने इसमें रिक्वेस्ट सेंसर वाला हैंडल डाला है। 4Xplore लगा हुआ है, अपना एड्रिनॉक्स भी लगा रखा है इसमें। इंटीरियर दिखाता हूँ आपको, सब दिखाते हैं, हमने जादू कर दिया, जलवा कर दिया, तो आप बताओ ये जलवा है या जादू है। तो ये देखो कैसा लग रहा है आपको इंटीरियर। Z2 में काफी दिक्कत होती देखो है। दिक्कत तो खत्म कर दी, चढ़ने के लिए काफी इजी हो गया है। अपना 360 व्यू में भी देखना है आपको तो सारे व्यू मिल जाते हैं इसके अंदर। जो सबसे महंगी चीज दिख रही है ये सोनी वाली, ये जो है तो हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जय ऑटो रामा रोड और सोनू भाई अपने साथ हैं। हेलो सर, और क्या दिखा रहे हो आज? आज हमारे पास आई है Z2। ठीक है, आज स्कॉर्पियो Z2 दिखा रहे हैं हम। Z2 आई है जिसकी पूरी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम, बेस टू टॉप कर रहे हैं और जो जो स्टार्ट हो चुका है काम थोड़ा थोड़ा। ये कंडीशन रहती है Z2 की, अपने देख सकते हो पीछे ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हमने काम कर दिया इसके अंदर, रिफ्लेक्टर ऐड कर दिए, क्रोम ऐड कर दिया, नीचे स्किड सिल्वर जो हमारे पास रेडी रहती है, ऑलमोस्ट रेडी रहते हैं वो लगा दिए हमने। जैसे आप आओगे इंस्टेंट आपको लगा के देंगे। अंदर भी देखो पूरी गाड़ी अब धीरे धीरे खुल रही है। ठीक है, डोर पैनल्स वगैरह खोल के डैम्पिंग करिए सबसे पहले, और काम चालू है इसके अंदर। तो अभी इसमें ऑडियो अपग्रेड भी करेंगे कुछ। हाँ, ऑडियो अपग्रेड के लिए स्पीकर चेंज हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, स्पीकर्स कौन से इंस्टॉल होंगे अभी इसमें? अभी इसके अंदर देखो अपने पावर बेस के हैं। ठीक है, पीवी के अपने कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं। कंपोनेंट ही लेंगे, कंपोनेंट। ठीक है, फ्रंट एंड बैक कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। वूफर वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं जो अपना OEM प्लेसमेंट में इसमें इंस्टॉल होने वाला है। ठीक है, वूफर भी इंस्टॉल करेंगे, बाकी एम्पलीफायर भी लगेगा इसके साथ। बाकी एम्प भी लगेगा इसके अंदर। अंदर से पूरा देखो कंसोल वंसोल सब पियानो होगा। ठीक है, रूफ में रूफ रेल लगेगी, छत इस तरह से खुलती है पूरी, तो देख लो छत ऐसे खुली है। इसके बाद प्रॉपर ड्रिल होगी, ड्रिल होके लगते है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है रूफ रेल लगाने में। ठीक है, छत खुल के लगती है। तो इसमें स्टीरियो वगैरह कुछ चेंज कर रहे हैं? हाँ, पूरा स्टीरियो अंडर चेंज होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अपना जो नॉब वाला होता है आजकल आया Z2 के लिए, शायद 360 डिग्री इसमें लगने वाला है। ठीक है, और मेनली साइड मिरर वगैरह भी लग रहा होगा। ORVM सब लगेगा इसके अंदर, मतलब मोस्टली पूरा काम इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, तो ये गाड़ी रात को आई थी या? ये अभी आई थी शाम को 7 बजे। 7 बजे आई, तो डिलीवरी कल देंगे, डिलीवरी कल शाम को देंगे इसकी। ठीक है, तो फ्रंट से एक बार कंडीशन दिखा दो कैसी है। अंदर पेंट वेंट का भी शायद इनका काम है। ठीक है, तो ये लास्ट लुक है देख सकते हो ब्राउन पार्ट के साथ, शायद इसमें कस्टमर का मूड बदल जाए कि चेंज बदलेगा उसको हम समझा रहे हैं। वो कह रहा कल सुबह डिसाइड करूंगा, सुबह वो आएगा, बाकी काम वो बताएगा। ठीक है, एक बार फ्रंट का लुक दिखा देते हैं। सोनू भाई मेन रिक्वायरमेंट अपनी अलॉयज की भी अलॉयज की रहती है। देखो इसके अंदर 17 इंच रिम के साथ MRF टायर आया हुआ है। ठीक है, स्टील रिम्स आते हैं इसके अंदर, अपने पास 17-18 दोनों मिल जाते हैं। अब इसके अंदर चेंजिंग होगी, 18 इंच लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए टायर हमें चेंज करना पड़ेगा, टायर चेंज करके 18 इंची अलॉय के साथ इसके अंदर फिट करेंगे, महिंद्रा जेन्युइन अलॉय। ठीक है, अगर सेम टायर रखना है तो 17 इंच भी लगवा सकते हो, स्टॉक टायर में लग जाता है। ठीक है, फ्रंट से एक बार कंडीशन दिखा दो। फ्रंट लुक में आप देख सकते हैं इसके अंदर DRL हमने लगा दिया, बाकी कनेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, फॉग लैंप अपना लग चुका है देख सकते हो, फिटिंग विदाउट सेंसर वाला है। हां, विदाउट सेंसर वाला है। ठीक है, फ्रंट की स्किड भी लगा दी? नहीं, फ्रंट चेंज नहीं करा, नहीं लगाई अभी, ग्रिल लगा दी है। ठीक है, अपनी 7 स्लॉट ग्रिल लग चुकी है, हेडलाइट में LED डाल दी है। ठीक है, LED इसकी पैकिंग चल रही है, अभी पैकिंग होगी इसकी। ठीक है, तो अभी ये कंडीशन है अपने Z2 की। तो अभी इसकी जो जो आपको दिखाया ये खुल रही है गाड़ी, पूरी रेडी होगी कल। ठीक है, तो अभी इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे आपको कि किस तरह से गाड़ी Day 2 में किस तरह से पूरी गाड़ी रेडी होती है और ZL में कन्वर्ट होती है। सो फाइनली Day 2 हो चुका है, कंप्लीट हो गई, पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपके सामने देख सकते हो। ठीक है, ये देखो ये रही Z2, अब Z2 बोल सकते हैं? Z2 बोल नहीं सकते आप इसको। ठीक है, फ्रंट से दिखाते हैं एक एक चीजें जो चेंज करी थी कल। इसमें आपको एक चीज हमने दिखाई थी, इसमें 7 स्लॉट ग्रिल तो लगी थी, लेकिन आज पूरा पियानो ब्लैक दिख रहा है। कल जो लगाई थी इन्होंने ग्रिल पियानो नहीं कराई थी, आज इन्होंने सुबह कहा कि ग्रिल भी पियानो कर दो। ठीक है, मूड चेंज हो गया क्योंकि पियानो ब्लैक के बाद ही एक लुक अच्छा आता है, अलग लुक हो जाती है ना, पूरा इससे मैच हो जाता है, बम्पर वम्पर सब पूरा एक ही फिनिशिंग में आ जाता है। ठीक है, तो हेडलाइट से कुछ अपग्रेड करा? हेडलाइट में अपने 2 सेट LED डाली है, LED। ठीक है, तो मोस्टली अब ZL वाली अब कोई स्विच नहीं कर रहा? कोई नहीं करता क्योंकि उसकी ब्राइटनेस बहुत कम है, जो हम LED डालते हैं प्रॉपर इसी के लिए 170 वाट वाली डाली है जिसका फोकस बहुत ही गजब है। ठीक है, ब्राइटनेस के पर्पस के लिए चाहिए तो LED मिलेगी, वरना टॉप मॉडल का लुक चाहिए तो ZL वाली भी अवेलेबल है। उसके लिए बहुत कम लोग डिमांड करते हैं, मोस्टली यही डलवाते हैं LED। ठीक है,
तो इसमें हमने एलईडी दो सेट डाल रखे हैं, पार्किंग बल्ब भी चेंज कर रखा है, और नीचे जो मेनली रिक्वायरमेंट होती है फॉग लाइट की, फॉग लाइट डीआरएल जो कल ही आपको दिखा दें इंस्टॉल हो चुकी थी, वो इस तरह से प्रॉपर तरीके से लगती है ये विद कॉम्बिनेशन के साथ, कॉम्बिनेशन स्विच के साथ चालू करते हैं। ठीक है, पार्किंग के साथ तो आज तक हमने कभी करी नहीं, स्टार्टिंग से सबसे पहले हमने ही कॉम्बिनेशन से करी थी, लोग स्विच लगा के आ रहे थे उसको भी हमने चेंज करा। ठीक है, तो नीचे स्किड प्लेट भी हमने इसकी चेंज करी, पूरी स्किड देख सकते हो नीचे की पूरी चेंज कर दी है, सिल्वर कलर की कर दी है जो कि टॉप मॉडल में आती है, सिल्वर करी हुई है। ठीक है, अगर फ्रंट लुक से आप देख सकते हो पूरा जो चेंजेस हुई है, दो सेट एलडी, फोक डीआरएल, सेवन स्लॉट ग्रिल, नीचे अपना स्किड सिल्वर। ठीक है, एक चीज सोनू भाई भी भूल गए, यहाँ पे देखो इसकी कैमरे की प्लेसमेंट 360 लगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज करा हुआ है, सिस्टम चेंज करा और 360 डिग्री इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्रंट कैमरे की भी प्लेसमेंट देखो, ऐसे नहीं कि बाहर से पेच लगा के लगाया, प्रॉपर ये देखो इसकी जगह जो बनी है बिल्कुल प्रॉपर उसी हिसाब से बनी हुई है। ठीक है सोनू भाई, कॉस्टिंग के साथ चलेंगे तो कॉस्टिंग इसकी बता दूं मैं सबको, जो ये लोग लगवाते हैं सेवन सीट ग्रिल सेवन स्लॉट जो 6 पीस का ही रेट बता देते हैं, आज मैं आपको बताता हूँ पूरा कंप्लीट जो 7 पीस आपको 3500 रुपए में मिलने वाले हैं। ठीक है, 3500 रुपए में 7 पीस। ठीक है, ये पूरा 7 अपर वाला भी मिलेगा, 7 अपर वाले के साथ, अपर वाले के साथ 7 पीस 3500 रुपए की, ग्लॉस ब्लैक वो अलग से, ये एडिशनल है आपको सेम आपकी वाली में ही हम 7 स्लॉट लगा के देंगे, इसका एडिशनल कॉस्ट रहता है पियानो ब्लैक वाले ग्रिल का। और नीचे फोग लाइट डीआरएल की बात करूं मैं तो ये है 14500 रुपए की, मगर पूरी गाड़ी का जैसे Z2 का काम होता है तो उसके लिए 10000 रुपए की मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आपका बेस टू टॉप काम हो रहा है तो उसके लिए आपको 10000 में मिलेगी, नहीं तो इसका रेट 14500 रुपए। ठीक है, और नीचे अगर स्केट लगवानी हो, स्केट देख सकते हो आप सिल्वर पेंट में इसको करी हुई है, इसमें 4 या 5 लेयर होती है हमारे पीपीए होती है, इसके अंदर प्लास्टिक पेंट होता है, प्राइमर होता है, फिर क्लियर लगता है, फिर सिल्वर पेंट मारा जाता है, फिर क्लियर लगता है। ठीक है, ये नॉर्मल स्प्रे पेंट नहीं है, ये प्रॉपर एक आपको ग्लॉस पेंट मिलने वाला है जो कि इसकी कॉस्टिंग इसलिए हाई हो जाती है, अगर आपको सस्ते बजट में चाहिए तो स्प्रे पेंट भी रहता है, वो लेकिन वो आपका वाला होता है, बाहर अगर पानी वानी लगेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, जो इसकी कॉस्टिंग है 2000 रुपए। ठीक है, तो एक बार साइड लुक पे बढ़ते हैं, तो साइड में सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम अलॉय। ठीक है, अलॉय इंस्टॉल करें, इसमें हमने 18 इंची चेंज करें, स्टॉक टायर हटा के। ठीक है, C8 80 टायर इसमें लगाया हमने, ऑल टेरेन टायर लगाया हमने C8 के। ठीक है, ये देख लो, इसकी वारंटी भी मिलती है हमें। हाँ, इसकी 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। अगर हमें टायर नहीं चेंज करवाना तो अपने पास ऑप्शन 17 इंचेस मिल जाएंगे हमारे पास प्रॉपर, जो कि स्टॉक टायर में डलेंगे। अगर कॉस्टिंग की बात करूँ इसकी तो 17 इंची आपको 51000 रुपए में, एक्सचेंज में आपको 49000 में मिलेगा, और पूरा काम होता है तो 46000 कितने की कॉस्टिंग में मिलेगी? 51000 है अगर सिंपल लेके जाओगे तो, अगर एक्सचेंज में लोगे मतलब अपना अरिंद होगा तो 49 में, अगर पूरी गाड़ी का काम Z28 का काम होता है जैसे भाई इस गाड़ी में काम हुआ है तो 46000 का, तो 46 मिलेगा आपको बेस टू टॉप वाले में। हाँ, अगर आप करवाते हो। ठीक है, 18 में आपको टायर चेंज करवाना पड़ेगा। हाँ, बाकी वो सोनू भाई को कांटेक्ट कर लेना, आपको टायर का डिफरेंस जब आपके टायर देख के उसके हिसाब से डिफरेंस होता है, नहीं तो कॉस्टिंग जो 18 इंचेस की है वो 55000 की है। ठीक है, फुटरेस्ट इंस्टॉल करा हुआ है, फुटरेस्ट देख सकते हो आप महिंद्रा जेन्युइन है पूरा प्रॉपर, देखो कहीं से भी आपको आउट नहीं दिखेगा क्योंकि ये स्पेशली स्कॉर्पियो इनके लिए है। हाँ, इनके लिए आएगा, बिल्कुल प्रॉपर है, कॉर्नर से मड फ्लैप तक लगता है। ठीक है, मड फ्लैप भी इंस्टॉल करा हुआ है इसके अंदर, मड फ्लैप तो आफ्टर मार्केट ही है, आफ्टर मार्केट ही लगाते हैं। ठीक है, और ये जो साइड की है ये भी स्किड हमने पेंट करी हुई है पूरी। ये भी पूरी स्किड दोनों बोथ साइड की पेंट होके लगी, तो मोस्टली हम पूरे अपने 4 पार्ट करते हैं इसमें, साइड लेफ्ट लाइट फ्रंट बैक, किसी को फ्रंट राइट कराना फ्रंट रियर कराना वो भी हो जाता है। ठीक है, किसी को साइड कराना साइड भी आते हैं, मगर मोस्टली लोग चारों साइड की करा लेते हैं। ठीक है, अगर बाय चांस किसी का मन करे इसको पेंट कराने का, ये जो मैट फिनिश में आता है, ये भी पियानो ब्लैक में कई गाड़ियों में हमने किया हुआ है। ठीक है, ये भी पूरा हो सकता है, देखो सिंपली यहाँ से पूरा ये हो जाएगा, ये पूरी यहाँ से ये पूरा पूरी अपनी जो साइड क्लैडिंग है ये पूरी पीछे तक, पूरी पीछे बम्पर तक भी की हुई है हमने। ठीक है, तो ये भी अपने साथ बॉडी कलर में हो सकती हो जाती है, मगर इसके लिए 2 दिन का टाइम लगता है, मतलब टाइम देना पड़ता है इसके लिए, 2 से 2.5 दिन भी हो सकते हैं क्योंकि ये पेंट पे जाता है तो टाइम तो लगेगा ही। नहीं, 2 दिन इनफ है, 2 दिन में हो जाता है काम पूरा। ठीक है, तो साइड से इसमें साइड मिरर भी अपना आता नहीं था, मैट फिनिश में आता था, ये भी पूरा चेंज कराएगा, और ORVM होल्डिंग वाला है, मैं इसको दिखा देता हूँ पूरा आपको। तो इसकी हमने की कोडिंग करी हुई है। हाँ, की कोडिंग करी हुई है, देख सकते हो। ठीक है, ये देखो की भी हमने जेन्युइन महिंद्रा इंस्टॉल करी हुई है, ये देखो लॉक करेंगे तो कोई डोर खुला हुआ शायद, तो अभी रात हो गई कोडिंग नहीं करवा रहा, हमें लगा शायद कोडिंग हो चुकी है। कोडिंग नहीं हुई है इसकी, कल सुबह कोडिंग हुई, मैं वैसे डोर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लेट नाइट काम हुआ था इसका, ये देख सकते हो। तो देखो लॉक हो गया, अनलॉक पे अनफोल्ड हो जाएगा ये,
ठीक है, इसकी कोडिंग कल मॉर्निंग में इसकी कोडिंग हो जाएगी। अगर इसकी कोडिंग हो जाती है तो इसी बटन के साथ ये खुलेगा और इसी बटन के साथ बंद होगा, लॉक के साथ लॉक हो जाएगा, अनलॉक के साथ अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली हमने प्रीवियस वीडियोस में भी दिखा रखा है। तो बाय चांस अगर किसी को ये पूरा कंप्लीट चेंज करवाना है तो क्या कॉस्टिंग में लगता है? इसकी कॉस्टिंग पड़ती है 11,500 रुपए, 11,500 दोनों साइड मिरर की। ठीक है, सेम कॉस्टिंग रह रही है अभी जो हम पहले वीडियोस में बताते हैं, वही कॉस्टिंग चल रही है इसकी। ठीक है, साइड में आपको देखोगे रिप्लेसमेंट पार्ट लगा हुआ है पूरा, अपना हैंडल भी इसमें मैट आता था, हमने इसमें रिक्वेस्ट सेंसर वाला हैंडल डाला है पर ये एक्टिवेट नहीं है, सिर्फ आपको एक डमी के लिए मिलेगा। ये आउट ऑफ स्टॉक था, अब रेडी आ चुका है, स्टॉक आ चुका है, अब ये लगवाने के लिए तैयार है। अगर आपका मन करेगा बाहर से, अगर आपको टॉप मॉडल का लुक चाहिए तो ये लगवा लो, काफी अच्छा है और देखने में भी आपको साइड से यही मेरे को लगता है बहुत अच्छी लुक देता है इसमें। ठीक है, वो सिल्वर फिनिश ना काफी अच्छा मैचिंग खा रहा है इससे। ठीक है, ये पीछे भी मिलेगा आपको, ये देख सकते, मतलब इसमें टोटल 5 सेट चेंज है, 5 डोर है, पूछे पांचों दोनों साइड के और रियर का तीनों पांचों पीस मिलेंगे आपको। ठीक है, और अपनी लोअर गार्निश भी इसमें रिप्लेसमेंट पार्ट है, ये रिप्लेसमेंट पार्ट है। ठीक है, ये अपना ब्लैक आता था ये बिडिंग, ये पूरी रिप्लेस होके हमने इसमें सैटन सिल्वर बोल सकते हैं, सिल्वर स्टील फिनिश में आती है, स्टील फिनिश है ये, हां स्टील फिनिश है। ठीक है, जैसे अब वाटर ग्लास है वो हम पेस्टिंग ही लगाते हुए आ रहे हैं अभी तक, हां ये क्रोम में आती है। ठीक है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो वो क्वार्टर ग्लास पूरा रिप्लेस करवा, वो भी फिर जब क्वार्टर ग्लास चेंज होगा तो बिल्कुल सेम फिनिश आ जाएगी स्टील फिनिश में। ठीक है, पूरा मिरर चेंज हो जाएगा। और इसमें डोर वाइजर भी लगे हैं स्कॉर्पियन के, आफ्टर मार्केट है। ठीक है, एन हाईलाइटेड है रेड पे, और ये देख सकते हो आप। ठीक है, रूफ रेल, रूफ रेल महिंद्रा काफी डिमांडेड चीज है ये, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब पूरी डिमांडेड चीज है। इसकी इस गाड़ी के लिए कॉस्टिंग 5,500 रुपए है, समझ जाओ 5,500 रुपए इस गाड़ी के लिए, क्यों कह रहा हूँ Z2 क्योंकि जिसमें पूरा काम होगा उसके लिए 5,500 रुपए, नहीं तो इसकी कॉस्टिंग 8,500 है। ठीक है, मेनली Z2 वाले भाइयों को ज्यादा काम करवाना पड़ जाता है, उनके लिए काफी अच्छे ऑफर्स निकाले, ऑफर्स इसलिए निकाले क्योंकि रूफ रेल लगती है, तो आपको दिखाया था मैंने कल पूरी छत वत सब खुलती है। ठीक है, तो उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो जब पूरा काम होता है तो वो जो लेबर होती है उसमें इंक्लूड आती है, 4 घंटे का टाइम लग ही जाता है क्योंकि प्रॉपर देखना पड़ता है कहाँ पे होल करना है, ड्रिल वगैरह प्रॉपर होए वरना फिर डैमेज हो सकती है चीजें, अगर सिंपली 2-4 काम कराओ तो कॉस्टिंग में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो साइड लुक देख सकते हो आप, साइड लुक क्या आ रहा है गाड़ी का, कहीं से आप बता सकते हो कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट डाउन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बताइए, कुछ भी कमी रह गई हो तो कोशिश करेंगे और क्लियर कर देंगे उसको। ठीक है, तो सोनू भाई ये सीट्स रखी हुई है ये किसकी है? ये इसी की है, एन की है, ये एन की ही है, पर इसके अंदर आपको ये पैटर्न नहीं दिखने वाला क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ अलग ही अलग चीज करी है, यही सीट का और डिजाइन है, मतलब थोड़ा कलर चेंज करा। ठीक है, तो वो उसे कहेंगे हमने इंटीरियर करा। ठीक है, तो अपने अगर आपको ये सीट कवर अच्छे लग रहे हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप करवा सकते हो। अभी ये दूसरी गाड़ी की सीट्स है, ये तो प्रॉपर इसमें आते ही है, टॉप मॉडल से लेके बेस मॉडल तक सब में यही डिजाइन आता है, यही कलर चलता है, बाकी अब धीरे धीरे हमने चेंजिंग कर रहे हैं, जैसे आइस ग्रे कलर करा था, बेज कलर करा था, ठीक है, और मैजेंटा कलर करा था, तो ब्लैक भी करा है। ठीक है, तो धीरे धीरे नए नए कलर आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको सीट कवर की फिनिश अच्छी लगती है इस कलर में तो आप ये भी इंस्टॉल करवा सकते हो, बाकी इसके अंदर जो दिखाएंगे हम वो एकदम अलग ही कलर, ये तो हमारे पास हमेशा रेडी रहते हैं, जो ये नए नए कलर है उसको रेडी कराते हैं, उसके लिए एक दिन चाहिए होता है बस। ठीक है, तो बैक से सोनू भाई क्या क्या करा हुआ है इसमें? बैक में प्रोफाइल में सबसे पहले आप देख सकते हो स्पॉइलर में इंस्टॉल किया हुआ है, महिंद्रा जेन्युइन, अपना जेन्युइन स्पॉइलर रहने वाला है, देख सकते हो फिटमेंट भी एकदम एक्यूरेट रहने वाली है इसकी, प्रॉपर फिटिंग से भी आउट नहीं लगेगा, और सेंटर से भी देखो आप ब्रेक लाइट में भी इक्वल गैप्स आएंगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो वाइपर भी दिख रहा है इसके अंदर, डमी वाइपर है। ठीक है, और किसी को एक्टिवेट कराना है तो एक्टिवेट भी हो जाएगा। ठीक है, और जो कि इसकी कॉस्टिंग सबसे कम से कम 7,500 रुपये की है। ठीक है, 7,500 में आपको इसमें इंक्लूड करेंगे हम वाइपर, मोटर, वाटर स्प्रेयर और अंदर का जो स्विच होता है रेयर वाइपर का, ये सब मतलब कंप्लीट जो वाइपर का काम होता है ना पूरा 7,500 में मिलेगा। ठीक है, और स्पॉइलर किसी को लगवाना हो, स्पॉइलर लगाना हो विद पेंट मिलेगा 6,500 रुपये। ठीक, कोई रिटर्न चार्ज नहीं है, पेंट के पैसे अलग हैं, उसके अलग हैं, पेंटेड स्पॉइलर मिलेगा आपको 6,500 रुपये। ठीक है, जो कॉस्ट बता रहे हैं ये विद इंक्लूड सारी चीजों के साथ है, फिटिंग सब करके, कोई फिटिंग चार्ज नहीं है कि लगाने के बाद 500 रुपये इसका अलग चार्ज है, विद फिटिंग चार्ज है 6,500 रुपये इसका। ठीक है, तो सोनू भाई यहाँ पे कैमरा भी दिख रहा है, आप देख सकते हो, मैंने पहले भी बताया था जो कैमरा बाहर निकल कर आ रहा है तो समझ लो 360 डिग्री लग रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा लगा है, तो इसका कैमरा थोड़ा बाहर की साइड आता है वरना अंदर ही प्लेस हो जाता है, ये बिल्कुल प्रॉपर जगह इसके साथ दी हुई है पूरी, इसके निकल के आता है वाला कैमरा। ठीक है, और पीछे भी देख सकते हो ये रहा अपना हैंडल जो 5 पीस बताया था आपको। ठीक है, तो बैक का लुक देख सकते हो, 4 एक्सप्लोर
लगा हुआ है अपना, पहले फोर एक्सप्लोर लगा दिया, इधर एड्रेनोक्स लगा दिया है। ठीक है, देखो एड्रेनोक्स भी लगा रखा है इसमें, मतलब बाहर से कहीं से आप पहचान नहीं पाओगे, बस एक डिफोगर की कमी रह गई, वरना बाहर से ये गाड़ी पहचान में नहीं। अगर कस्टमर छोड़ के जाए ना अगले दिन आए तो वो अपनी गाड़ी ना पहचान पाए। ठीक है, तो नीचे हमने क्रोम भी ऐड करा हुआ है बम्पर पे, बम्पर में क्रोम लगाया है। ठीक, और नीचे रिफ्लेक्टर भी लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर है, और रेयर गार्ड भी लगाया है। तो एक बार जला के दिखाते हैं हम रिफ्लेक्टर, तो एक बार आपको दिखाते हैं इस पे जो रिफ्लेक्टर है, तो ये अपना मैट्रिक्स स्टाइल में मिलता है हमें, आफ्टर मार्केट है। इसमें आपको इंडिकेटर्स, रिवर्स का भी लाइट का ऑप्शन मिलता है, रिवर्स भी है, इंडिकेटर भी और ब्रेक भी है, तीनों चीज़ मिलेंगी इसमें। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है, आपको दिखा रखी है काफ़ी वीडियोस में। अब सोनू भाई दिखा दे एक बार अंदर, अंदर भी दिखाते हैं, पहले ये तो दिखा दो स्टेनलेस स्टील रियर गार्ड है। ठीक है, रियर गार्ड हमने अभी दिखाया था आपको, रियर गार्ड भी इंस्टॉल करा है, रियर स्किड भी देख सकते हो, वो भी सिल्वर दिखा दी, जो फ्रंट और रियर मैं बता रहा था आपको। ठीक है, तो अब ये हमने फ्रंट से, साइड से, रियर से बेसिकली आउटर कवर कर लिया हमने, आउटर पूरा हो गया, छत भी हो गई, ऊपर भी हो गया। अब चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ, सोनू भाई दिखा दो अब। तो मैं इंटीरियर दिखाता हूँ आपको, सब दिखाते हैं, हमने जादू कर दिया, जलवा कर दिया, तो आप बताओ ये जलवा है या जादू है। ठीक है, पहले आपको इंटीरियर का पूरा व्यू दिखा देते हैं अंदर तक, तो ये देखो कैसा लग रहा है आपको इंटीरियर इसका पूरा। तो अब स्टेप बाय स्टेप सोनू भाई बताएंगे इसमें हमने क्या क्या चेंजेस करा हुआ है। इसके अंदर सबसे स्टार्टिंग में जो हमने करा है, आप देख सकते हो डोर पे पूरा चेंज करके जो ये पेंट करा है। ठीक है, ये वाला पार्ट अपना ब्राउन आता था। हाँ, ब्राउन कॉफी कलर जो आता था, जो सीट कवर का कलर जो ओरिजिनल आता था वो आता था। ठीक है, उसको चेंज करके हमने इस कलर में करा है। ठीक है, सॉफ्ट टच हमने बिल्कुल ही अपना लाइट टैन बोल सकते हैं इसे। हाँ, लाइट टैन हो गया, हल्के येलो टैन में कह सकते हैं इसे। ठीक है, और अपना सीट कवर भी इसी कलर में हमने करा है। ठीक है, ये अपना सॉफ्ट टच में आ गया, ये आपको लग रहा होगा इसी के साथ है, ऐसी कुशनिंग नहीं आती हमें, नहीं मिलती कोई भी वेरिएंट्स के अंदर, तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल करोगे तो हाथ रखने में कंफर्टेबल। और ये पांचों पीस होते हैं, चारों डोर के और एक सेंटर कंसोल का। ठीक है, वो अपना आर्म रेस्ट का जो होता है अंदर, और इसी के साथ ही साथ हमने ये पूरा चेंज करा है, ग्लॉसी ब्लैक कर दिया, ये पूरा रिप्लेसमेंट है। ये इन दोनों की हमने थीम रखी है, ग्लॉसी ब्लैक और येलो, मतलब क्या कहेंगे इस कलर को। ठीक है, लाइट टैन बोल सकते हो, लाइट टैन इस कलर को, इसका हमने दोनों को कॉम्बिनेशन रखा है, अंदर भी और बाहर भी पूरा। ठीक है, और इसी के साथ आपके पास ऑप्शन था कि आप Z8L वाला भी लगवा सकते थे इनर हैंडल, सिल्वर कलर, वो सिल्वर में आता है, लेकिन ब्लैक टोन के साथ इसका मैचिंग काफी अच्छा लग रहा है। इसके साथ जो हमने थीम रखा ना दोनों मैचिंग का, तो इसके साथ यही लुक दे रहा था। ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ ग्रैब हैंडल मैट फिनिश में आता था, वो भी चेंज कर दिया, यही कलर में पियानो ब्लैक में कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे सैश नहीं मिलता हमें, तो ऑडियो अपग्रेड कुछ करा, डैम्पिंग दिखाई थी कल हमने, डैम्पिंग करिए, स्पीकर चेंज की है इसके अंदर। ठीक है, कल दिखाया था हमने, वो हम ही भूल गया, आप वीडियो में देख लेना स्टार्टिंग में। और इसके अंदर एक एम्पलीफायर भी डाला, स्पीकर चलाने, एम्पलीफायर साउंड अपग्रेड के लिए। बाकी डोर पैनल से बस यही करा हुआ है, और डोर पैनल के बाद इसमें दिखा सकता हूँ, बाहर डोर पे आता हूँ, वेलकम लाइट डाली है इसके अंदर। ठीक है, अपनी स्कॉर्पियो एन की ओरिजिनल वेलकम लाइट है, एसेसरी पार्ट से है, एसेसरी पार्ट है, महिंद्रा जेन्युइन है ये। ठीक है, नीचे फ्लोरिंग करी है पहले, पूरी फ्लोरिंग की फ्लोरिंग नहीं करी हुई है इसके अंदर, एम्पलीफायर की प्लेसमेंट नीचे करी है सीट में। देखो एम्पलीफायर इसमें लगाया हुआ पूरा, जो कि 70 से हमने ढक दिया। सोनू भाई एक बार उस साइड से आ जाओ, चलो सोनू भाई अंदर चढ़ के दिखाओ मुझे, Z2 में काफी दिक्कत होती देखो है। कोई दिक्कत तो खत्म कर दी, ये देखो सोनू भाई चढ़ने के लिए काफी इजी हो गया। अब क्या दिक्कत, अब तो दिक्कत खत्म हो गई। देखो ठीक है, ग्रैब हैंडल इंस्टॉल कर दिया, Z2 के अंदर ही ग्रैब हैंडल नहीं आता, काफी दिक्कत होती है। फुटरेस्ट तो हम लगा देते हैं, चलो ग्रैब हैंडल भी जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और ग्रैब हैंडल लग चुका है, और मेनली आते हैं अब सीट कवर्स पे, तो सीट कवर्स देखो आप क्वालिटी। सबसे पहले सीट कवर की फिटिंग देखो, कलर तो आपने देख लिया होगा पहले, अब इसकी फिटिंग देखो। ठीक है, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि आउट जा रहा है या कुछ जा रहा है। फिटिंग और फिटमेंट की बात करें तो हमेशा हमने अच्छी फिटिंग दिखाई है। देखो एक थाई सपोर्ट इसकी नॉर्मल रखी गई है। ठीक है, ठीक है, जो साइड की फिटिंग है वो अलग रखी हुई है। ठीक है, ये पैडिंग वगैरह एक्स्ट्रा हल्की सी पैडिंग रखी हुई है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कंफर्ट बनाना था गाड़ी के अंदर। ठीक है, कि आप सीट जो है फिटमेंट में आएगी तो एकदम टाइट फील हो। ठीक है, और सेंटर में बात करें तो ये देखो आर्मरेस्ट ड्यूल टोन में करा हुआ मैचिंग सेम अकॉर्डिंग सीट कवर के। सीट कवर भी अगर ये फुली यही कलर में होता तो अच्छा नहीं टेक्सचर आता, तो ड्यूल टोन करा ब्लैक और इसमें, तो काफी अच्छा। दोनों तीनों चीजें जो है ना ब्लैक एंड इसमें टैन कलर में की हुई है। ठीक है, तो बैक सीट्स दिखाते हैं।
बैक सीट दिखाते एक बार आपको, बैक सीट की फिटमेंट भी देख सकते हो आप, कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि बेकार करी है, फिटिंग गंदी है, पूरी फिटिंग प्रॉपर है, कहीं भी देख सकते हो आप। देखो हेडरेस्ट भी इसका देख सकते हो बिल्कुल ठीक है, हेडरेस्ट भी आप पीछे से भी देख सकते हो, छोटा हेडरेस्ट भी देख सकते हो आप इसका सेंटर वाला ठीक है, ये भी फिटमेंट में आर्मरेस्ट देखो, इसकी फिटिंग देखो अंदर से बिल्कुल प्रॉपर, ये देखो फिटमेंट ग्लास होल्डर से लेके अपना ये जो बैक वाला पार्ट है ये भी देखो कहीं से भी लूज नहीं लगेगा आपको, लूज रखते हैं प्रॉपर तरीके से फिटिंग करते हैं ठीक है, जल्दीबाजी वाला काम नहीं है कि सिंगल डे में देना है कस्टमर को, और इधर उधर भी देना ही नाउस सारा काम है, सामने काम होता है कि ये कि इधर ले जा रहे हैं उधर ले जा रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने तरीके से काम होता है ठीक है। बैक सीट्स भी दिखा देते हैं आपको, ये देखो बैक की फिटमेंट, तो बैक की फिटमेंट भी सेम, फ्रंट से लेके बैक तक आपको सेम फिटमेंट मिलने वाली है, ऐसी फिटमेंट कोई नहीं दिखाएगा आपको सीट कवर्स की। तो सोनू भाई मन तो कर रहा है पीछे बैठ के दिखाऊं आज वीडियो शूट, चलो पीछे से दिखा, काफी अच्छा लग रहा है इसका, एक बार बैक से शूट करते। तो सोनू भाई बैक से अगर देखूं, अगर पीछे बैठूं तो देखो कुछ नए टेक्सचर दिया आज भाई साहब, बिल्कुल अलग ही लग रहा है, देखो पियानो ब्लैक टैन कलर और लाइट टैन कलर, उसके अंदर अलग ही मजा दे रही है इस गाड़ी में ठीक है। तो ये देखो देखो कितनी शानदार लगी है, आप एक देखो रफ रफ ठीक है, और पियानो पियानो, ये पियानो मीटर पियानो ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी लग रही है। तो पीछे से बैठने में ही असली लुक आता है इसका देखने में, कि इंटीरियर में कुछ हमने करा है, काफी टाइम हो गया था ब्राउन ब्राउन से बोर हो चुके थे, वही मैं कर रहा हूं तो इतनी गली की बोर ही हो गए ब्राउन देखते देखते, तो इसमें कंफ्यूजन तो कस्टमर को भी थी कि क्या कलर चूज करें हम, इन्होंने बड़ी मेहनत करी कस्टमर ने ठीक है, उनका था कि सिल्वर टाइप में टेक्सचर में करने का, उन्होंने तो पहले वाला कलर भी 700 वाला कलर भी उन्होंने चूज किया था, मगर वो कह रहे यार लाइट बहुत ज्यादा हो जाता, फिर उन्होंने डार्क टैन किया, फिर अचानक ये लाइट कलर नजर आया तो उन्होंने उस कलर में पसंद करा ठीक है। जो आउटपुट निकल गया देखो आप कितना बहुत शानदार है, डोर से लेके अगर आप इंटीरियर तक देखोगे ना तो काफी अच्छा कलर लग रहा है देखने में, देखो ना मीटर पूरा पियानो, साइड के वेंट देखो पियानो ठीक है, दोनों भाई बैठे भी है तो ऐसे लग रहा है लग्जरी गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी देखो उधर के वेंट भी पियानो ठीक है। हम भी कुछ कोशिश करेंगे नया अपने गुलाबों में करने का, मैं तो कस्टमर से चाहूंगा कि वो सजेस्ट करे कि किस तरह का कलर करें हम भी ठीक है। अपनी वाली जो Z2 है एक भाई ने नाम रखा था गुलाब, वो देखते हैं अब, वो नाम अच्छा भी लगा हमें भी, अच्छा एक दो वीडियो में आ चुका है गुलाबो गुलाबो रखो, तो अब तो सीरीज आती रहेगी, जल्दी जल्दी आने वाली है, मार्च में एक सीरीज जरूर आएगी ठीक है, फर्स्ट पार्ट जरूर दिखाने वाले हैं आपको बहुत जल्दी, एक बार फ्रंट में आके आपको दिखा दो फ्रंट में। तो अब आगे आ चुका हूँ मैं, और अब सोनू भाई दिखाते हैं हम क्या क्या चीज चेंज करी है। मेनली स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग अपना ये मून डिजाइन है, पूरा मून डिजाइन में इसको बनाया गया ठीक है, मून डिजाइन में अपना ड्यूल टोन आ जाता है, और हाफ ब्लैक और हाफ जो सीट कवर का अकॉर्डिंग कलर होता है, डबल कलर कह लो इसे, डबल कलर में आ जाएगा ठीक और है। फुल राउंड आके बीच में जो किनारी होती है ना वो बिल्कुल प्रॉपर इस तरह से बन जाती है डबल सिलाई में ठीक है। देखो साइड से भी फिटमेंट देख लो ठीक है, और मेनली इसके अंदर जो अपना आता था कंट्रोल्स आते थे मैट फिनिश में, तो मैट फिनिश अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप मैट इधर भी लगा सकते हो, राइट साइड में अपने कंट्रोल्स नहीं आते, चाहे आप Z2 में ले लो कोई भी ले लो, Z4 के अंदर आते Z2 में नहीं मिलता, तो कस्टमर ने ग्लॉसी ब्लैक ही लगवा लेगी अपने XUV700 के अंदर आते हैं, पियानो ब्लैक आते हैं, एन में भी आते हैं, मगर पूरे चेंज होके इस तरह के दोनों लग जाते हैं पियानो ब्लैक ठीक है। और हमें नीचे मिलता है MID कंट्रोल का यहाँ से ऑप्शन, जो अब तो यहाँ से हमने कंट्रोल कर सकते हो आप, ये देखो देख सकते हो अंदर सामने अप डाउन वगैरह सिलेक्शन वगैरह आप यहीं से कर सकते हो, मतलब Z2 लेके भी यहाँ से कंट्रोल करोगे वो तो बेकार ही है। अब देखो उसके अंदर हमने ठीक है, उसके बाद अपना ये भी ग्लॉसी ब्लैक करा हुआ है हमने, साथ ही साथ टेक्सचर देखो इसी के साथ, मीटर भी देखो, मीटर का जो फ्रेम है ये भी हमने ग्लॉसी ब्लैक करा है, तो यहाँ से देखोगे ना आपको एकदम सेम अकॉर्डिंग मैचिंग जो करा हुआ है इंटीरियर हमने तैयार, पूरा एकदम एग्जैक्ट लग रहा है, पियानो ब्लैक पियानो ब्लैक पियानो ब्लैक, मतलब पियानो ब्लैक भी टेक्सचर साथ ही साथ दे रखा है हमने, देखो ना ये साइड के ठीक है, ये तो हमने आते ही हैं इसके अंदर, किस में आते हैं ये तो आते ही हैं Z2 में, ये पियानो ब्लैक आते हैं Z2 में, अच्छा सिल्वर करते हैं हम, सिल्वर करते हैं इसको और ये Z2 के अंदर अपने ब्लैक ही आते हैं पियानो ब्लैक, ये भी अच्छे लग रहे ठीक है। और सेंटर एक कमी नजर लग रही है मुझे, मेरा दिल कर रहा है ये भी अब भी हमें इसी कलर में करना चाहिए था, हाँ ये भी अच्छा लगता अगर ये वाला पार्ट ये जो अपना है मैट ये भी अपना इसी कलर का हो जाता तो काफी सुंदर लगता है, अगली देखते हैं अगली गाड़ी में जब कोशिश करेंगे इसको भी करने की ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक होप सो दिखाएंगे आपको ये वाला पार्ट भी, पेंट हो जाएगा या लेदर ऐप करेंगे वो देखते हैं, क्या करेंगे, पेंट ही अच्छा रहेगा ठीक है, पेंट ही अच्छा रहेगा क्योंकि लेदर ऐप पेंट तो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बढ़िया चीज रहेगी ठीक है। और मेन होता है Z2 में बैठने के बाद आपको स्क्रीन देखते हो कितनी गंदी स्क्रीन मिलती है हमें एंड्रॉइड, जो कि हमने प्रॉपर बना दी है ठीक है, 9 इंच की मिलती है, हमने उसे पूरा रिप्लेस करके ये अपना जो आप
आजकल मोस्टली यही वाली स्क्रीन लगा रहे हैं हम। हाँ, यही स्क्रीन लगा रहे हैं, डिमांड भी इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, काफी अच्छी स्क्रीन है ये हमें। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा वगैरह मिल जाता है। बाकी ऑडियो कंट्रोल्स यहाँ से ऑन ऑफ वगैरह सारी चीज आपको, ये वर्किंग बटन्स मिल जाते हैं इसके अंदर। ये वाला रिप्लेसमेंट सबसे बेस्ट रहेगा जो कंपनी से आता है, उसमें कारप्ले का भी ऑप्शन नहीं होता। नहीं, उसमें कारप्ले का ऑप्शन नहीं आता, नॉर्मल रहता है, उसमें यूट्यूब भी नहीं रहता। ठीक है, कुछ भी नहीं रहता इसमें, आपको फुली फंक्शनिंग मिलने वाली है सारी चीजें। और टच वगैरह की क्वालिटी भी दिखाते हैं आपको, देखो टच वगैरह की क्वालिटी भी काफी स्मूथ है। ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर आप देख सकते हो, गूगल सब, नेटफ्लिक्स पूरा, मतलब फुली एंड्रॉइड है। ठीक है, एप्पल कार प्ले के साथ देखो है। यूट्यूब में आपको वीडियोस वगैरह देखनी है तो आप यूट्यूब में वीडियोस भी देख सकते हो। इसमें आपको हॉटस्पॉट देके कनेक्ट कर लेना, बाकी आपको इजीली आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आउटपुट इसका। ये रहा अपना 360 जो मेन ये चीज़ लगाई है। एक बार डोर क्लोज करके दिखाते हैं आपको, तो ये देखो ये अपना फ्रंट व्यू है। ये फ्रंट व्यू है, आप रियर देख सकते हो। देखो ये रियर व्यू है, ये हमारी लेफ्ट साइड देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड का मिरर एक्टिवेट हो गया। ये राइट साइड देख सकते हो, राइट साइड का देखो टायर वगैरह सारी चीजें दिख रही है। अगर दोनों साइड मिरर का देखना है आपको तो ये भी देख सकते हो। इसमें आपको एक चीज और दिखाऊंगा, तो गाड़ी स्टार्ट करके एक बार लेफ्ट राइट करके देखो प्रॉपर बिल्कुल। ठीक है, इसमें सारी हमें ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर। और बाकी 2D 3D व्यू में भी देखना है आपको तो सारे व्यू मिल जाते हैं इसके अंदर। और लेन चेंजिंग में भी ये दिखाता है। हाँ बिल्कुल दिखाता, बिल्कुल प्रॉपर। देखो जैसे लेफ्ट का दिया हमने इंडिकेटर तो लेफ्ट साइड का मिरर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड का आपका प्रॉपर व्यू दिखाएगा। जैसे आप लेन चेंज कर रहे हो हाईवे वगैरह में या जाम में भी आपको दिख जाएगा साइड में कौन है। जैसे हम इंडिकेटर बंद करेंगे अपना हट जाएगा, राइट साइड का दिखाएंगे तो राइट साइड का कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये हेल्पफुल चीज़ है, 360 डिग्री कैमरा आप लगवा सकते हो, मगर थोड़ा समझने के बाद ही समझ पाओगे इसे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन था कि हम यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट लगा रहे हैं जो आजकल किसी को लगाना तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, एन में हमें मिलता ही नहीं है कुछ चार्जिंग वगैरह कि हम चार्ज कर पाए। तो यहाँ से सेंटर कंसोल भी हमने पियानो ब्लैक करा हुआ है, सेंटर कंसोल पूरा प्रॉपर तरीके से पियानो ब्लैक करा हुआ देख सकते हो। ठीक है, ये देखो पूरा पियानो ब्लैक करा है, पूरा हमने, ये आता नहीं है टॉप वेरिएंट्स में भी नहीं आता, ये हमने करा हुआ है। ये हाइड्रोडिप पार्ट है, हाइड्रोडिप पार्ट है पूरा प्रॉपर तरीके से। देखो इसके अंदर ये भी हमने इसका चेंज करके इसमें प्रॉपर तरीके से लगा दिया। ठीक है, और ये दोनों साइड के ये वाला पार्ट भी देखो, ये ब्राउन आता है, ये भी हमने सेम फिनिश में दिया जो इंटीरियर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, दोनों साइड का हमने चेंज करा हुआ है अपना, उसकी सिलाई भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जाकि जो कि ओरिजिनल तरह से आता ना वैसी स्टिचिंग इसमें की हुई है। ठीक है, और बात करें जो सबसे महंगी चीज दिख रही है, ये सोनी वाली ये जो है स्पीकर, सेंटर स्पीकर विद जाली, जाली। मैं कहता हूँ जो पूरी गाड़ी की लुक जो है ना फ्रंट से, जो पूरा डैशबोर्ड की लुक है सिर्फ जाली पे टिकी होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ ड्राइव कर रहे हो और देखोगे सेंटर स्पीकर ये जो लगा हुआ है सोनी का, काफी अच्छा लगता है। एक टॉप वेरियंट में आप बैठे हुए, अब स्क्रीन भी लग गई तो अब तो लगेगा इट की टॉप वेरियंट में बैठे, Z2 नहीं है ये, मगर वो लगने और उसके वैसे नॉर्मल रहना तो अलग ही लुक आती है। ठीक है, वरना इसमें खाली स्पेस दिया होता है आपको कॉइन्स वगैरह रखने का, लेकिन ये लगने के बाद काफी एक अच्छा अंदर से व्यू आ जाता है इसका। तो बाकी अंदर का व्यू देख सकते हो आप कैसा लग रहा है, आप कमेंट डाउन कर सकते हो कि ऐसा अच्छा लग रहा है या किसी चीज की कमी है। किसी तरीके की कोई कमी हो तो बताओ, कुछ चेंजिंग कर सकते हैं आगे इन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की राय से ही हम काम करते हैं। ठीक, जो आपको अच्छा लगता है उसी तरह से हम चाहते हैं हम काम करें। आप आइडियाज भी दे सकते हो कि नेक्स्ट कलर कौन सा करना चाहिए या अपनी गुलाबों में कौन सा कलर करें, हमारी गुलाबों के लिए सजेस्ट कर सकते हो आप कौन सा कलर। ठीक है, आप कौन सा देखना चाहते हो कि कैसा लुक आता है, उसमें तो हम चेंज करते भी रहेंगे कि आपको क्या कलर पसंद आता है। बाकी इसमें एक सनग्लास होल्डर भी लगा हुआ जो जिसने सारी चीजें दिखवाई है, जिसने रोशनी प्रदान करी है वो देख सकते। ठीक है, ये हमारा 150 वॉट की LED। ठीक है, सनग्लास होल्डर या ग्लासेस रख सकते हो आप अपने। बाकी यही सारा काम करा था। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि मिरर वाला भी मिल जाता है, सनशेड मिल जाएगा, सनशेड वो भी अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाता है। ठीक है, तो मतलब हमने सारी चीजें आपको दिखा दी, ब्रीफली डिस्क्राइब भी कर दी, बाकी एक बार कस्टमर का ओपिनियन भी जानते हैं। कस्टमर ने 2 दिन दिए हमें, पूरा पेंट करवाया उसने, पूरे तरीके से अपने सामने काम कराया। ठीक है, एक बार उसका रिव्यू लेते हैं, उसको कैसा लगा काम। ठीक है, एक बार फीडबैक लेते हैं उनका भी। तो फाइनली अपनी Z2 का काम टोटली कंप्लीट हो गया। तो अपने साथ ओनर है, उनका नाम जानते हैं। दोनों दोनों बता दो आपका नाम। भैया है, भैया अशोक भैया, शुभम। ठीक है, इन भैया की गाड़ी है कुलदीप, कुलदीप भैया। ठीक है, कहाँ से ट्रेवल करके आयो? पानीपत से भाई। ठीक, कैसे पता लगा आपको जे ऑटो के बारे में? यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, एक नंबर का काम हुआ, कति स्वाद आ गया। जब इन्हें लेके आए थे ना, जब यहाँ गंजी सी थी कति, तो फर्स्ट डे का हमने शूट दिखाया था भैया जब लेके आए थे Z2, बिल्कुल कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था यार, ना यू था, ना यू था, ना नीचे का कुछ नहीं, कति गंजी सी थी, ना ऊपर के हैंडल से कुछ भी नहीं था, ये कति सेक्सी कर दी भाई।
ठीक है, तो आप खुश हुए? हाँ, कती तोड़ हो गया भाई। जैसे ये लोग वीडियो में दिखाते हैं वैसे ही काम था यहाँ भाई। उससे नेक्स्ट लेवल था, एकदम नेक्स्ट लेवल, उससे भी बहुत बढ़िया। अरे बिल्कुल नहीं यार, मतलब सामने आ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं पहचान सकते। ये सामने था जब ये अगर कस्टमर चला जाए वापसी आया तो अपनी गाड़ी ना पहचान। पिछली वाली वीडियो में देखे हो गया, ग्राहक आकर कह रहा भैया मेरी गाड़ी का है। ठीक है, उन्हें पहचान ही नहीं पाए थे, वो Z2 लेके जा रहे थे। तो देखा ही होगा इंटीरियर में, तो मतलब इंटीरियर तो काफी अच्छा था। ठीक है, ये भी फर्स्ट होगा चामुंडा भैया, ये इंटीरियर फर्स्ट ये अभी तक नहीं। वीडियो सारी देखी थी यूट्यूब पर। मैंने पिछली वीडियो में क्या बोला था कि हर किसी को अलग इंटीरियर दोगे? बिल्कुल। ठीक है, तो कहीं से नंबर काटने लायक तो आपने आज भी नहीं छोड़ा। नंबर बढ़ते हैं, इनके कटते नहीं है, बढ़ते नहीं है। भैया से एक बार पूछ लेते, भैया 10 में से कितने नंबर दोगे? सीधे सीधे 100 नंबर दोगे सीधा सीधा। किसी चीज के लिए चामुंडा भैया का व्यवहार वगैरह पसंद ना आए उसके लिए काटना चाहते हो? उसका तो नंबर एक्स्ट्रा और जोड़ लो यार। और क्या, इनका तो भैया नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट बिल्कुल। समोसे अभी भी रखे हुए खाने के लिए दोबारा से? ठीक है, रखे हुए अभी। बाकी दोबारा मौका मिले विजिट करोगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भाई। ठीक है, जिसको काम होएगा सारा काम यहीं से करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट भी दिया? हाँ बिल्कुल, डिस्काउंट एक्स्ट्रा ही दे दिया, बल्कि ज्यादा लगेगा। बातचीत निकाल ली हमने, बातचीत निकाल ली। ठीक है, आपकी साइड पानीपत से जो भी देख रहा है तो रिकमेंड करोगे कि आना चाहिए? भाई दूर आओ, फायदा होगा, 100% होगा। एक बार चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, घंटा दबाओ, जो करना है करो, लाइक मारो, कमेंट मारो दबा के। ठीक है, चामुंडा भैया स्कीम है अभी भी, जो सब्सक्राइब करके आएगा बिल्कुल उनके लिए खुली ऑफर है। ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो एंड करे पहले आना कहाँ है पहले ये बता दो। जय ऑटो रामा रोड मोती नगर डीएलएफ के सामने इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, सोनू भाई और चामुंडा भाई हमेशा आपको मिलेगा, और जैसे आपकी गाड़ी की काम करवाना व्यवस्था कर सकते हो, क्योंकि ये सपनों की कार है। सपनों की कार के सपनों की तरह ही बनाया जाता है, ना कि ऐसे जैसे मर्जी बना दिया जाता। और आपके सपनों की कार हम बना करके देंगे, आप एक बार हमें मौका दीजिए। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा इंटीरियर, बाकी आप भी रेट नीचे कमेंट कर सकते हो कि रेटिंग क्या देनी चाहिए, क्या आपको कैसी लगी, 10 में से कितने नंबर देने चाहोगे। और चामुंडा भैया की कोई गलती निकले तो बता देना मेरे को, नेक्स्ट वीडियो में इनको लूंगा। कई लोग कमेंट में भी बोलते हैं, तो मैं कह सकता हूँ अगर 100 ग्राहक आते हैं तो 100 को खुश करके नहीं बेच सकते। ठीक है, उसमें से एक दो नाराज होकर जरूर जाते हैं। पता नहीं हर किसी का व्यवहार अलग होता है, क्या पता मैं उनको सैटिस्फेक्शन हर किसी को कहीं नहीं मिलता। दे सकते तो एक दो अगर नाराज भी होकर जाते तो उसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ दिल से। बाकी मेरी कोशिश रहता है कि पूरी से पूरी हम नाराज नहीं भाई, हम तो खुश करते पूरे जमा भाई, फुल खुश है पूरे पूरे। ठीक है, तो अब एंड करते हैं वीडियो को, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा दिल से। ठीक है, एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे।